तो पंजाब में नई सरकार को लेकर फाइनल तस्वीर साफ होने की घड़ी आ गई है। इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा नजरें लंबी सीट पर टिकी हुई हैं। इस चुनाव में कहा यह भी गया है कि लंबी सीट से ही पंजाब का अगला मुख्यमंत्री तय होगा। पंजाब के 2017 के दंगल में लंबी विधानसभा क्षेत्र सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट है। कहा तो ये भी जा रहा है कि लंबी की लड़ाई से ही पंजाब का अगला मुख्यमंत्री तय होगा। वैसे तो लंबी विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जीतते आ रहे हैं, लेकिन 2017 के रण में लंबी की लड़ाई में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उतरे। लिहाजा लंबी की लड़ाई इस बार प्रकाश सिंह बादल के लिए आसान कतई नहीं रही। 2017 के चुनाव में लंबी विधानसभा क्षेत्र से श्रोमणि अकाली दल से प्रकाश सिंह बादल, कांग्रेस की ओर से कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव लड़े, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से विधायक और पंजाब आम आदमी पार्टी के को इंचार्ज जरनैल सिंह को चुनाव लड़ाया था। सुच्चा सिंह छोटेपुर की अपना पंजाब पार्टी ने मनमिंदर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा था। अगर वोटर्स की बात करें तो इस सीट पर 151,972 मतदाता हैं और 4 फरवरी को हुई पोलिंग में 85.73% वोटिंग हुई। लंबी सीट पर मुख्य मुकाबला कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल के बीच है। सियासी जानकार कह रहे हैं कि लंबी की लड़ाई जो जीतेगा, मुख्यमंत्री की ताज उसी के सिर पर सजने की प्रबल संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।